प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहले आप मीडिया भाई को और मेरे दर्शक भाई भोजपुरिया समाज को प्रणाम और नमस्कार। मैं जसवंत कुमार, भोजपुरी फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर भी हूँ। तो अभी संजय भाई जो कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। आज मैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत सेट लगा हुआ है फ्यूचर स्टूडियो में, और जिसके निर्माता निर्देशक शशांक राय जी हैं, उन्हीं की फिल्म शेर सिंह का मैं शूटिंग कर रहा हूं, और जिसके हमारे स्टार जो है पवन जी हैं, और इसमें उनकी हीरोइन के रोल में अमरपाली दुबे जी हैं, और उनके साथ में हम भी एक रोल कर रहे हैं जो कि खलनायक की भूमिका है, जिसमें ये अशोक समर्थ जी भी हैं और अजय सूर्यवंशी जी हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैंने पवन जी के साथ में बहुत सारा फिल्म किया हुआ है, अपने होम प्रोडक्शन में भी काफ़ी फिल्में बनाए हैं और साथ में काम भी किए हैं। लेकिन ये होता है ना कि आदमी जैसे जैसे काम करते जाता है तो उसका और अनुभव बढ़ता जाता है, अनुभव सीखना चाहता है। तो अब जो फिल्में किया उससे तो कहीं ज़्यादा, मतलब ये डिफरेंस फिल्म बन रही है जिसका नाम शेर सिंह है, बहुत ही खूबसूरत अच्छी फिल्म बन रही है, और इसमें पवन जी भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और हम लोग का गेटअप तो देख ही रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी ट्रेजरी होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने सही कहा कि ये भोजपुरी में, चूँकि अमरपाली जी पहली बार एज ए हीरोइन जो है पवन जी के साथ में काम कर रही हैं, तो दर्शक भाई जहाँ एक गाना इनका आया था सत्या का, रत दिया भुता के पिया क्या क्या किया, जब एक गाने को दर्शक भाइयों ने पवन जी और अमरपाली को इतना पसंद किया था, तो जाहिर सी बात है शेर सिंह में जहाँ पूरा हीरो हीरोइन के रोल में दोनों लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दर्शक बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छी फिल्म भी बन रही है, तो ये ज़रूर एक अलग छाप छोड़ेगा शेर सिंह जी। रिलीजिंग का जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सिनेमा तो लगभग अब कम्प्लीट पे है, बाकी अब इसका तो सही समय हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शशांक राय जी हैं वो बताएंगे कि रिलीजिंग डेट क्या है, लेकिन बहुत नज़दीक आएगा इसका रिलीजिंग डेट। मैंने इतना सारा फिल्म एक से एक डायरेक्टर के साथ में किया, लेकिन जहां एक यंग डायरेक्टर आज भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, चूँकि उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किया हुआ है पर भोजपुरी में पहली फिल्म है, देख के नहीं लगता कि वो पहली फिल्म का डायरेक्शन दे रहे हैं। उनका काम इतना बढ़िया है कि उनके काम से पवन जी भी प्रभावित हैं और हम लोग तो बहुत सारे जितने काम कर रहे हैं सब उनके काम से प्रभावित हैं और बहुत अच्छा काम वो करवा रहे हैं, तो नो डाउट उनके काम पे कोई संदेह नहीं है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं शशांक जी। और मेरी ढेर सारी शुभकामना रहेगी कि आगे भी वो ढेर सारी फिल्में करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। किरदार बहुत अच्छा किरदार है, हम लोग विलेन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अशोक जी और जसवंत जी, और इसमें क्या होता है जो हीरोइन है अपनी अमरपाली जी, उनसे मेरी शादी होती है, शादी तय होती है लेकिन हो नहीं पाती है, और पूरा सीन उसी के पीछे चला जा रहा है, तो एक अच्छा किरदार है, काफ़ी अच्छा किरदार है, मैं इसको इंजॉय भी कर रहा हूँ इस किरदार को, क्योंकि ये किरदार ऐसा है कि ये एक साथ ही हमें दो शेड को अपना करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि पहले हम हिंदू रहते हैं, बाद में कुछ इंटरवल के बाद फिर हम मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है काफ़ी अच्छा। नहीं नहीं क्या होता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम मुस्लिम रहते हैं लेकिन हम कुछ प्लान के थ्रू हिंदू बने रहते हैं, तो वो सब तो आप जब फिल्म देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसको पहले डिस्क्लोज करना बेकार है। और बहुत ही अच्छा गेटअप है दोनों में, और दोनों का किरदार बिल्कुल अलग है। पहले हम लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहते हैं और ऐसा रहता है कि यार सब बहुत ही शांति से करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम कन्वर्ट होते हैं तो हम एकदम से विलेन हो जाते हैं। आने वाली फिल्म आज रिलीज हुई है खुददार दिनेश जी की, जिसके डायरेक्टर हैं दिनेश जी, और
और फिर आने वाली फिल्म में है मेरा बेलगाम परिंदे, शपथ और दो तीन फिल्में और हैं लाइन से। आप लोग देख ही रहे हैं, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और इसका गाना भी बहुत अच्छे से शूट हो रहा है और बहुत इस फिल्म को लेकर हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। 100% खरी उतरेगी और चर्चाओं से भी काफ़ी अच्छी चर्चा होगी जब ये फिल्म रिलीज पे आएगी। कॉन्सेप्ट इसका कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़े एक दबंग आदमी रहता है जिसका एक हीरो का बड़ा सपोर्ट रहता है उससे, और कुछ उन दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये कहानी पूरी रन करती है। अमूमन इस फिल्म में पवन जी का किरदार जो है वो बहुत काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों से लेके हटके है और बहुत अच्छे से पवन जी उस किरदार को निभा रहे हैं, और जितना हमको इस फिल्म से उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा पवन जी को भी इस फिल्म को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं। शुरुआत हम लोगों ने बॉम्बे में किया, उसके बाद में हमारा एक शेड्यूल जोधपुर में हुआ और उसके बाद में ये हमारा तीसरा शेड्यूल है जो फिर से वापस हम लोग बॉम्बे कर रहे हैं। फिल्म नेक्स्ट मंथ में रिलीज करने का प्लान है हम लोगों का और हो जाएगा नेक्स्ट मंथ छठ तक। प्लैनेट भोजपुरी।